बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूँ मेरे भाई शहरयार। मेरी तरफ से आप सब भाइयों को, दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि मेरा भाई फरम शेर दमान साहब, अभी मैंने सुना, कह रहा था कि हमारे 3 MP अगवा हो गए। अरे भाई, हमें कौन अगवा करेगा? क्यों अगवा करेंगे? हमें कोई अगवा क्यों करेगा भाई? बात यह है कि बस पार्टी से हम मायूस हैं, हम नाराज हैं। मैंने कितनी मरतबा खान साहब को इस्लामाबाद जाके कहा, यहाँ गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, भाई सिंध के लिए, खान साहब आप प्राइम मिनिस्टर हो, सिंध के लिए कुछ सोचो, हमें कुछ दो, हमें फंड्स वगैरह दो, हमने वोट उठाए, सिंध के लाखों लोगों ने हमें वोट दिया है, PTI को 50,000 वोट तो मैंने उठाए। तो हमारी किसी ने नहीं सुनी, ना तो गवर्नर साहब ने कभी सुनी। मैं चलाता रहा, शोर मचाता रहा, लेकिन खान साहब ने ना सुनी, ना गवर्नर साहब ने सुनी, ना ही कोई हमारे तरफ किसी ने कोई ध्यान दिया। मेरे भाई, सिंध के लिए इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं। इस वजह से मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सिंधी हूँ। बात यह है कि ये कहते हैं कि सिंध हमारा नहीं। क्यों नहीं भाई? आप जब खुद कहते हैं सिंध आपका नहीं, तो हम कैसे? एक तो आपने जो टिकटें बांटी कमरे में जाके, गवर्नर हाउस में टिकटें आपने बांटी, और हमसे पूछा तक नहीं, आपने फ़ोन तक नहीं किया, पूछा तक नहीं, बुलाया नहीं हमें। भाई, हम ये जो आपने जो नुमाइंदे दिए हैं सेनेट के लिए, हम नाराज़ हैं पार्टी से, हम मायूस हैं पार्टी से, हम इन लोगों को, इन उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। और बाकी रही बात अगवा वाली, हमें कौन अगवा करेगा भाई? अल्लाह खैर करेगा, हम अपने घर बैठे, कोई अगवा वगैरह नहीं, मैं बैठा हूँ सही सलामत आपके सामने बैठा हूँ। मेहरबानी। To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.